हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग किस तरह से एक अच्छी बेहतरीन प्रोफेशनल टाइप के रिज्यूम बना सकते हैं दोस्तों, वो भी अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर से। दोस्तों, इसके लिए आपको ना ही कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, ना ही कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत होगी। दोस्तों, हम लोग सिंपली एक वेबसाइट के माध्यम से ही इसको बनाएंगे दोस्तों, और प्रोफेशनल टाइप का बनाना सीखेंगे। ये जो दोस्तों वेबसाइट है, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्टली लिंक में क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट में आ सकेंगे। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इसमें हम लोग को रिज्यूम स्लैश सीवी मेकर पे हम लोग को क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को हम लोग को भरना होगा। भरने के बाद देखिए दोस्तों, हम लोग को 6 टाइप का रिज्यूम फॉर्मेट है। जो भी हम लोग को फॉर्मेट पसंद आए, उसमें हम लोग को क्लिक करना होगा और वही फॉर्मेट में हम लोग का रिज्यूम बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें रिज्यूम में क्लिक करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग अपना नाम भरिएगा दोस्तों। उसके बाद अपना एड्रेस, जो कंप्लीट एड्रेस है दोस्तों, उसको आप लोग डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे आप दोस्तों आप लोग एड्रेस भर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों। इसमें आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 100 नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे अपना 0 डालना होगा दोस्तों। इसमें इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल डालने के बाद इसमें दोस्तों आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना डाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना पिताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पे अपना माताजी का नाम, उसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद मेल फीमेल, जो भी आप जेंडर है दोस्तों उसको आप लोग क्लिक करना होगा। अनमेरिड मेरिड आप लोग जो भी है उसमें आप लोग को देखना होगा। अभी लैंग्वेज नोन, यानी दोस्तों आप लोग कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं उसको आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देने होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और बंगाली जानता हूँ दोस्तों। हॉबीज, आप लोगों का हॉबी क्या क्या दोस्तों, उसमें भी आप लोगों को डाल देना होगा। इसमें आप लोगों को डाल देना होगा दोस्तों। उसके बाद जो करियर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसमें से देखिए, इसमें बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। इसमें आप लोग कोई सा भी क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। और अगर आपको इनमें से कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं लग रहा दोस्तों, तो इसमें आप खुद से लिख सकते हैं कि आपका जो करियर ऑब्जेक्टिव क्या होगा दोस्तों। तो इसमें मैं इसी कोई कोई सा भी क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें आप लोगों को सिंपल 10th डाल देना होगा। 10th डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कौन सा बोर्ड है उसको डाल देने होंगे। उसके बाद ये पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे कौन सा डिवीजन है उसको डाल देना होगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप लोग 10th भी देना चाहते हैं, 12th भी देना चाहते हैं, ग्रेजुएशन भी देना चाहते हैं, तो ये ऐड बटन है दोस्तों, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ऐड कर दें, यहाँ पे आप लोग 12th अभी ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कौन से ईयर में आप पास किए हैं उसको डाल दीजिए। उसके बाद फिर से अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ऐड बटन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करके फिर ग्रेजुएशन, पीजी, जितना दूर आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अपना ग्रेजुएशन में डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये वाला
जो भी बोर्ड है आप लोगों का, जो ग्रेजुएशन है उसको आप लोगों डाल देना होगा। इसके बाद आपका जो कितना परसेंटेज है दोस्तों उसको आप लोगों को डाल देना होंगे। उसके बाद अगर और भी आप पीजी जोड़ना चाहते हैं तो इसमें फिर ऐड करके पीजी जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा अगर कुछ किए होंगे तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना हो, इसमें आप लोगों को भरना हो दोस्तों। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आप कहीं कंप्यूटर वगैरह किए हैं तो इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में डाल देना होंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप लोग कहीं वर्क किए हैं, कुछ भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो इसमें आप लोग डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पे मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए मैं एन ए डाल देता हूँ दोस्तों। इसमें मैं एन ए डाल देता हूँ, आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो फ़ोटो ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को ये जो फ़ोटो दोस्तों आप लोगों का अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक तो चूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चूज़ करके रखा हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग सिंपली भर लेते हैं। उसके बाद चूज फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन बटन। देखिए दोस्तों, इसमें छह प्रकार का आपको रिज्यूम दिख रहा है, जो भी फॉर्मेट में आपको पसंद है दोस्तों उसमें आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मुझे 3 नंबर वाला जो है रिज्यूम CV3 हमको ठीक लगता है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए पूरा मेरा बन के रेडी हो गया है। इसमें जो है दोस्तों, ये जो बैक है, जो पीछे साइड का जो कलर होता है दोस्तों, इसमें आप लोग कौन सा कलर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं साइन कलर देता हूँ, तो देखिए दोस्तों इसमें साइन कलर का आ जाता है। इसमें जो भी कलर आपको ठीक लगता है दोस्तों, आप लोग इसमें डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी कलर आपको ठीक लगता है, मुझे ये कलर नहीं पसंद है, मैं जो भी कलर डाल सकता हूँ। देखिए ये कलर बेस्ट। कलर डालने के बाद दोस्तों इसमें मैक PDF बटन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, PDF बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का रिज्यूम बन के तैयार हो गया है। तो सिंपली दोस्तों 5-10 मिनट में आप लोग अपना मोबाइल से भी ये वाला प्रोसेस अपना करके अपना रिज्यूम बना सकते हैं, प्रोफेशनल टाइप का रिज्यूम बना सकते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत सारे प्रकार के रिज्यूम आपको फॉर्मेट मिल रहे हैं दोस्तों, इसमें अपने हिसाब से आप अच्छा से अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। इसमें ना ही आपको MS Word की ज़रूरत होगी, ना ही कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो इसको आप लोग PDF को सेव करके रख लीजिए और कहीं भी दुकान से 10 रुपये में प्रिंट आउट करा लीजिए दोस्तों, ताकि इसमें आप लोगों को अभी कोई दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बोलना था कि आप लोग कैसे एक प्रोफेशनल टाइप का रिज्यूम बना सकते हैं दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।